कि दिल में अपना घर बसाना है, तेरी खातिर सारी हदों से गुजर जाना है। वेलकम टू अल्फा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, स्क्वायर एंड रूट का आज आप लोगों का एक ऐसा क्लास जो आप लोग देख कर एकदम एंजॉय कीजिएगा, बहुत ही एंजॉय कीजिएगा। चलिए देखते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। आइए, आपका पहला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट का। रूट अंदर 18 माइनस रूट अंदर 15, ठीक है, और रूट एवं रूट अंदर 13 माइनस रूट अंदर 10 में सबसे बड़ा आपको निकालना है। देखिए, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी कंपटीशन का एग्जाम है उसमें यह बात हमेशा नोट कर लीजिए आप लोग अपने डायरी में कि माइनस वाला जब भी प्रश्न पूछता है तो उसका बीच का जो अंतर रहता है वह हमेशा सेम रहता है। हमेशा क्या रहता है? बीच का अंतर हमेशा सेम रहता है। जैसे 18 में से 15 घटाइएगा तो क्या होगा? 3। 13 में से 10 घटाइएगा तो क्या होगा? 3, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि इस दोनों का सम करेंगे और इस दोनों का सम करेंगे, 18 15 जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए? 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 33 हो गया, कितना आया? 33। और 13 और 10 जोड़िएगा तो क्या होगा? 23। दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़कर देख लिए, बीच का अंतर क्या है मेरे भाई? बीच का अंतर क्या है? 3 है। बीच का अंतर 3 है, ध्यान दीजिएगा। कैसे चलेगा? सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे छोटा कौन है? तो दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वह सबसे क्या होगा? छोटा, ठीक है। बहुत आसान है, दोनों को जोड़े हैं, इस दोनों को जोड़े हैं तो 33 आया, इस दोनों को जोड़े हैं तो कितना? 23 आया। अब 23 और 33 में देखेंगे, अगर 23 यह है रूट अंदर 13 माइनस रूट अंदर 10, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो गया रूट अंदर 13 और माइनस रूट अंदर 10, ठीक है। अगर आपका बीच का अंतर है ना, क्या है इसमें? 3 है, 3 है, है ना, और माइनस का साइन हो तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को सम करेंगे जो छोटा होगा वह बड़ा होगा, जो बड़ा होगा वह छोटा होगा। चलिए अब आप ध्यान दीजिएगा इसी टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मजा आ रहा है, काफी बेहतरीन एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वर्ग वर्गमूल। रूट अंदर 3 माइनस रूट अंदर 2, ठीक है, एवं रूट अंदर 5 माइनस रूट अंदर 4, दोनों में सबसे बड़ा चुनना है मेरे भाई। देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें से घटाइए, 3 में से 2 घटाएगा क्या होगा? 1। 5 में से 4 घटाएगा क्या होगा? 1। माइनस का साइन है, दोनों को जोड़िए, 3 2 5, 5 4 9, बोलिए कौन बड़ा? 5 बड़ा है ना, 5 वाला बड़ा होगा जिसका सम कम होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा? रूट 3 माइनस रूट 2, यही आपका है, इसमें सबसे बड़ा हो गया और इसमें भी सबसे बड़ा ये हो गया आपका, क्या हो गया? आंसर हो गया।
काफी आसान है, एकदम आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आइए अब आप लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। रूट अंडर सेवन माइनस रूट अंडर फाइव कॉमा रूट अंडर फाइव माइनस रूट अंडर थ्री रूट अंडर नाइन माइनस रूट अंडर सेवन तथा रूट अंडर इलेवन माइनस रूट अंडर क्या चीज नाइन। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो सात पांच क्या होगा बारह, इस दोनों के जोड़िएगा तो पांच तीन आठ, इस दोनों के जोड़िएगा तो नौ सात सोलह, इस दोनों के जोड़िएगा तो ग्यारह नौ बीस। देखिए जोड़कर सात पांच बारह, पांच तीन आठ, नौ सात सोलह, ग्यारह नौ बीस। तो बोले हैं कि जिसका सम कम कम आएगा वो सबसे बड़ा होगा, और जिसका कम सम सबसे अधिक आएगा वो सबसे क्या होगा छोटा होगा। तो इसमें सबसे कम जोड़ किसका आया है, ये आया है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा। सबसे बड़ा हो जाएगा रूट फाइव माइनस रूट अंडर थ्री, ठीक है, और सबसे छोटा कहेगा तो हो जाएगा आपको रूट अंदर ग्यारह माइनस रूट अंदर क्या चीज नौ। समझ गए सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इस सब को जोड़ रहे हैं तो इसका सम कितना आ रहा है आठ आ रहा है, और इसका सम कितना आ रहा है बीस आ रहा है। तो सम जिसका ज्यादा होगा वो छोटा होगा, जिसका सम कम होगा वो क्या होगा बड़ा होगा। माइनस वाले में इसका बीच का अंतर देख लीजिए आप, सात में से पांच घटाइएगा दो होगा, पांच में से तीन घटाइएगा तो दो होगा, नौ में से सात घटाइएगा तो दो होगा, ग्यारह में से नौ घटाइएगा तो दो होगा। समझ गए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन होगा। अब चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हो गया कंप्लीट, अब इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आइए कभी कभी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में आरोही क्रम अवरोही क्रम भी पूछ देता है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आप समझ गए हैं, आइए आरोही और अवरोही देखते हैं, मजा आने वाला है, बेहतरीन एक्सरसाइज है, बेहतरीन है आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चार होगा, रूट अंदर इलेवन माइनस रूट अंदर नाइन, ठीक है, रूट अंदर थर्टीन माइनस रूट अंदर इलेवन, रूट अंदर सेवेंटीन माइनस रूट अंदर आपका फिफ्टीन, रूट अंदर नाइन माइनस रूट अंदर आपका क्या है फाइव को आरोही क्रम और दूसरा में आपको अवरोही क्रम में सजाना है। कैसे सजाइएगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि आप जानते हैं ये वन टू थ्री फोर फाइव है क्या है असेंडिंग ऑर्डर है आरोही क्रम है, और इसी को पकड़ देंगे फाइव फोर थ्री टू वन, ये क्या है अवरोही क्रम है, यानी छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं तो कौन सा क्रम होता है आरोही क्रम, अब बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो कौन सा क्रम होगा अवरोही क्रम। तो देखिए पहले इस सब को जोड़ते हैं, जोड़िए आरोही अवरोही आपको निकालना है, पहले जोड़िए इसको ग्यारह नौ बीस, चार दो तेरह ग्यारह चौबीस, सात पांच बारह के दो हाथ में एक,
आ 2 1 3 32 आ 9 5 14 ठीक है। इसको जोड़े हैं तो 20 आया है, इसको जोड़े हैं तो 24 आया है, इसको जोड़े हैं तो 32 आया है, इसको जोड़े हैं तो 14 आया है। इसका बीच का अंतर 2 है, इसका भी बीच का अंतर 2 है, इसका भी बीच का अंतर 2 है, इसका। देखिए आपके एग्जामिनेशन में हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका बीच का अंतर 2 हो। एकदम ध्यान दीजिए, आप किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम के निकाल के देख लीजिए। अब हम लोगों को है जोड़ के जोड़ लिया आप सबको, तो बोले है कि जिसका सम सबसे कम आएगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, तो सबसे बड़ा होगा ये होगा आपका, क्योंकि इसका सम 14 है, जोड़ 14 है इसका। और सबसे छोटा कौन होगा, तो यही होगा, क्योंकि इसका जोड़ कितना है, 32 है। अब देखिए, अब इस संख्या को तो आप आरोही अवरोही में सजा सकते हैं। चलिए अब आपको पहला सजाना है आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या करते हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं। तो सबसे छोटा इसमें कौन है बताइए, सबसे छोटा है 32 वाला। 32 वाला कितना किसका है, तो रूट अंदर 17 माइनस रूट अंदर 15 का। अब इससे छोटा कौन है, तो यह है 24 वाला, किसका है, रूट अंदर 13 माइनस रूट अंदर क्या चीज है, 11। अब इससे छोटा कौन है, ये आपका 20 वाला, रूट अंदर। अब यह मतलब इससे बड़ा ये हो गया आपका रूट अंदर 11 माइनस रूट अंदर क्या चीज 9। सबसे बड़ा कौन है, तो रूट अंदर 9 माइनस रूट अंदर 5, ये सबसे बड़ा हो गया। समझ रहे हैं ना कि जो सबसे छोटा होगा जिसका सम उस सबसे बड़ा होता है, आ जिसका सम सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो एसेंडिंग ऑर्डर में आप छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं, तो छोटा से बड़ा की ओर गए हैं, तो सबसे छोटा इसमें यही ना हुआ मेरे भाई, उसके बाद आपका ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो इसके बदले में हम इसको लिख दिए, इसके बदले में हम इसको लिख दिए, इसके बदले में हम इसको लिख दिए, और इसके बदले में हम इसको लिख दिए। चलिए आइए, अब आपका आरोही हो गया, अब ठीक इसको पलट देंगे तो वो हो जाएगा अवरोही। अवरोही नहीं, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए तो हो जाएगा रूट अंदर 9 माइनस रूट अंदर 5, ये हो गया रूट अंदर आपका 11 माइनस रूट अंदर 9, पलट कर लिख दिए, रूट अंदर 13 माइनस रूट अंदर 11, और रूट अंदर आपको 17 माइनस रूट अंदर क्या चीज 15, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। काफी बेहतरीन आपका एक्सरसाइज चल रहा है, और आसानी के साथ आप सारे क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका माइनस वाला बात रहा है, अब आइए आप लोग चलिए प्लस वाला में चलते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है मेरे भाई, है ना। अब प्लस की ओर हम लोग चलेंगे, काफी बेहतरीन आपका एक्सरसाइज चल रहा है स्क्वायर एंड रूट, आप देख रहे हैं अल्फा स्टडी, ठीक है। तो सुनिए इत्मीनान से पढ़ेंगे, अगर आपका बेस आपका क्लियर है, मजबूत है, तो आप ऊपर कितना भी बिल्डिंग बनाइएगा किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम बनाइए आप एक्सरसाइज निकालिए, आप किसी भी बुक का या इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, है ना, और एकदम ध्यान लगाइए आप अपने वर्क में। चलिए देखिए अब आइए, अब आपका पांचवा नंबर जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, रूट अंदर 17 प्लस रूट अंदर क्या चीज 15 एवं रूट अंदर 13 लिखिए, आप प्लस रूट अंदर 10 में आप सबसे बड़ा,
काम उतना ही करना है। अगर प्लस वाला पूछे तो इसके बीच के अंतर से हम लोग कोई मतलब नहीं रखेंगे मेरे भाई, बीच से अंतर नहीं देखेंगे, इसमें बीच का अंतर नहीं देखेंगे, सिर्फ दोनों बीच को जोड़ेंगे। जोड़िए 7 5 12 के दो हाथ में एक और 2 1 3 32 हुआ, ये हो गया आपका 23। तो प्लस वाला में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा आपका हो जाएगा रूट अंदर 17 और प्लस रूट अंदर 15, यह आपका आंसर हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा कि अंतर से कोई मतलब नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। जय जय महाकाल। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक बार एग्जामिनेशन एसएससी में आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा एलडीसी में, रूट अंदर 18 और प्लस रूट अंदर 17। चलिए, एवं रूट अंदर 12 प्लस रूट अंदर 13, है ना, सबसे बड़ा निकालना इसमें। अब बोले भाई कि जोड़ना है इसमें 18 और 7 जोड़िएगा तो कितना होता है 25, ये लीजिए। अब 12 13 जोड़ देता क्या होता है 25, अब लीजिए। अब आपको बताइए कि कौन बड़ा है, हम तो बोले इससे ऊपर वाला में कि दोनों को जोड़ेंगे जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, इसमें तो समान है, तब आप क्या करेंगे? आइए, कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। जब दोनों का सम समान रहेगा, जब दोनों का जोड़ समान रहेगा तो आपको देखना है इस दोनों के बीच का अंतर। अब 18 में से 7 घटाइएगा तो क्या होगा, 11 हुआ, और 13 में से 12 घटाइएगा, चाहे 12 में से 13 घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 में से 12 घटाइएगा, चाहे 12 में से 13 घटाइएगा तो -1 होगा, होगा। तो जिसका अंतर कम होगा, क्या बोले कि जिसका अंतर कम होगा वह बड़ा होगा, जब यह दोनों का सम, दोनों का जोड़ समान हो, उसमें देखेंगे कि जिसका अंतर कम होगा वह बड़ा होगा और जिसका अंतर अधिक होगा वह छोटा होगा। तो इस दोनों का अंतर कितना आया है, 11, और इस दोनों का अंतर क्या है, -1, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, रूट अंदर 12 और प्लस रूट अंदर 13, आंसर। ठीक है, जब आपको सम में समान है, दोनों को जोड़ेंगे समान आएगा, तो आप इस दोनों के बीच का अंतर कर लीजिएगा, घटा कर देख लीजिएगा, जो कम से कम आएगा घटाने पर वह बड़ा होगा, जो अधिक आएगा वह छोटा होगा। लेकिन अगर डिफरेंट हो जोर, या 32 है या 23 है, तो आपको सीधा सीधा जो जिसका जोड़ ज्यादा होगा वह बड़ा होगा। चलिए अब मिटाते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें, जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थी कैसे इसमें भ्रमित होते हैं, आइए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 होगा और आज का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। काफी बेहतरीन आपका एक्सरसाइज चल रहा है स्क्वायर एंड रूट, और बेहतरीन आपका ये एक्सरसाइज है, एकदम अच्छे से पढ़िए, समझते जाइए, जो भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, रूट अंदर 12 और प्लस रूट अंदर 9 कॉमा रूट अंदर 18 प्लस रूट अंदर 3 कॉमा रूट अंदर 17
रूट अंदर चार एवं रूट अंदर 19 प्लस रूट अंदर 10 चाहे 11 11 दे दिए। अब देखिए, अब इसमें आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा चुनना है, सबसे बड़ा निकालना है इसमें। ठीक है, और दूसरा है इसमें सबसे छोटा निकालना है। अब इस दोनों को आप जोड़िएगा, 12 9 कितना होता है 21 होता है, 18 3 कितना होता है 21 होता है, 17 4 कितना होता है 21 होता है, 19 11 क्या होता है 30 होता है। देखिए, तो सबसे बड़ा तो आप देख लिए कि बोले हैं प्लस वाले में, ठीक है, दोनों को जोड़ के देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इस सब को हम जोड़ कर देखे हैं, तो जोड़ने के बाद जो है ना हमको संख्या यह 30 जो है ना सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा में लिख दिए रूट अंदर 19 और प्लस रूट अंदर क्या 11। आइए, अब तो भाई बड़ी झंझट है भाई, लेकिन झंझट कुछ नहीं, इससे पहले हम बताए इसका भी सम है कैसे, इसका भी सम है कैसे, इसका भी सम है कैसे, तो आप पता नहीं कर सकते कि कैसे सबसे छोटा कौन है, तो दोनों का अंतर करेंगे। ये 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा 3, 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 15, 17 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा 13, 13 4 17। ठीक है, तो अब बताए हैं कि अंतर अंतर करेंगे सबका, और उसमें जो सबसे ज्यादा अंतर जिसका होगा वो उतना ही क्या होता है छोटा होता है। तो सबसे ज्यादा अंतर आपका यह आया है तो सबसे छोटा यही हो जाएगा, रूट अंदर 18 प्लस रूट अंदर 3, ये भी आपका एक आंसर हो गया और ये भी आपका एक आंसर हो गया। तो इस तरह से आसानी से आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखते रहिए अल्फा स्टडी, है ना, समझ गए ना, इसमें सबको सम करेंगे जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, लेकिन इसमें भी एक कैसे, इसमें भी एक कैसे, इसमें भी एक कैसे, तो इस दोनों का अंतर करेंगे हम, बीच का अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा, इस दोनों का बीच का अंतर हमारा 15 आएगा, इस दोनों का बीच का अंतर हमारा 13 आएगा, तो सबसे ज्यादा अंतर किसका आया 15 वाला, 15 आया तो सबसे छोटा वही हुआ, सबसे ज्यादा अंतर वाला ही सबसे छोटा होता है। डॉट सर थैंक यू डॉट, देखते रहे अल्फा स्टडी।